Hey guys, this is Manpreet Kaur and welcome back to my channel Property Mall once again. So, आज जो inventory हम आपके लिए लेके आए हैं ये है 120 गज की कोठी इन सेक्टर 125 सनीन क्लेव मोहाली. 120 गज में 3 BHK के कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट ये तैयार किया गया है. लोकेशन भी इसकी अच्छी है, प्राइम है, बिल्कुल जलवायु के 3 नंबर गेट के पैलर है हम. तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम हैं पॉर्च एरिया में, पूरा फुल मार्बल यूज़ किया गया है पॉर्च एरिया में. काफ़ी खुला डुला स्पेस है, प्लस उस साइड हमारी बरम आ जाती है, ये देख सकते हैं आप, ये आ गया हमारा बरम एरिया. अंडरग्राउंड टैंक भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, ऊपर टैंकी अलग रहेगी, नीचे अंडरग्राउंड टैंक भी अलग रहेगा. अब चलते हैं घर के अंदर. फ्रंट में जाली वाला डोर आप देख सकते हैं, एज इट इज हमें मिलेगा लगा हुआ. ये आ जाता है हमारा एंट्रेंस डोर. एंट्रेंस डोर भी आप देख सकते हो अच्छी डिजाइनिंग यूज की गई है, पॉलिश का काम हो चुका है. एंट्री करते ही ये आ गया हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया. वॉलपेपर इंक्लूडेड रहेंगे ड्राइंग डाइनिंग में भी और बेडरूम्स में भी. सारी विट्रीफाइड फ्लोरिंग रहेगी, फॉल सीलिंग डन रहेगी विद LED लाइट्स. ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया में बहुत प्यारा ये टीवी पैनल हमें मिल रहा है. ऊपर शोकेसेस के लिए भी आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं और स्टोरेज के लिए भी नीचे ब्लॉक्स मिल रहे हैं. साइड पे आप यहाँ पे शोकेस या क्रॉकरी भी स्टोर कर सकते हैं. लेफ्ट साइड पे आगे हमारी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन. सेंट्री फिटिंग्स अभी लगने वाली हैं. किचन में भी हमें फ्रंट पे विंडो मिल जाएगी जिसपे ग्रिलिंग ऑलरेडी डन है. 3 BHK कंसेप्ट रहेगा, 2 BHK नीचे है, 1 बेडरूम ऊपर रहेगा. ये आ जाता है हमारा फर्स्ट रूम. जैसे कि मैंने कहा था रूम्स में भी वॉलपेपर डन रहेंगे. वॉलपेपर अच्छा यूज किया गया है. बेडरूम में भी टीवी पैनलिंग हमें डन मिल रही है. कबर्ड्स डन रहेंगे टिल रूफ विद ड्रेसिंग एरिया. इस साइड पे हमें लॉन्ग विंडो मिल रही है पीछे बैकयार्ड में जाने के लिए, जो कनेक्टिविटी रहेगी वो दूसरे रूम से रहेगी. इस साइड आ जाता है हमारा वॉशरूम. वॉशरूम में भी आप टाइलिंग देख सकते हैं, अच्छी यूज की गई है. अच्छी स्पेस है वॉशरूम के लिए. 120 स्क्वायर में अच्छा कंसेप्ट ये तैयार किया गया है. ये आ जाता है हमारा सेकंड रूम. सेम सिनेरियो सेकंड रूम का रहेगा, वॉलपेपर हमें लगा हुआ मिल रहा है. यहाँ पे भी हमें टिल रूफ तक कबर्ड्स मिल रहे हैं डन. अटैच वॉशरूम रहेंगे. इसमें भी आप देख सकते हैं ग्रे एंड फ्लोर प्रिंट में अच्छी टाइलिंग कंसेप्ट यूज की गई है. सारी एंटीस्केप टाइल्स रहेंगी वॉशरूम में. टीवी पैनलिंग यहाँ पे भी डन रहेगी और पीछे वॉशिंग एरिया में जाने के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी रहेगी. पीछे के दरवाजे में भी हमें जाली वाला डोर लगा हुआ ही मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप. वॉशिंग एरिया में भी टाइल ऑफ कंसेप्ट अच्छा है, फ्लोर प्रिंट
बैक स्पेस भी अच्छी रहेगी। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। साइड ग्रेनाइट की स्टेयर्स रहेंगी विद एसेस रेलिंग। फ्रंट ही बहुत प्यारा सा मिरर वर्क यूज किया गया है, जिससे कि नेचुरल लाइटिंग आपकी आती रहेगी, प्लस कवरेज भी रहती है। ऊपर भी हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल रहा है, इसमें भी आप वॉलपेपर देख सकते हैं, काफी ब्राइट वॉलपेपर यूज किया गया है। फ्रंट विंडो और ये फ्रंट बैल्कनी के लिए हमारा दरवाजा आ जाता है। ऊपर भी डाउन सीलिंग डन रहती है विद एलईडी लाइट्स। सेम मॉड्यूलर किचन रहेगा जैसे नीचे कंसेप्ट था। इस साइड पे हमारा बेडरूम आ जाता है। कोठी बिल्कुल रेडी टू मूव है, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम है जो पेंडिंग है, अदरवाइज बिल्कुल रेडी है कोठी। सेंट्री फिटिंग सेट टाइम ऑफ पोजेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको काफी वीडियोस में बताया है, और फिनिशिंग का काम ही रह गया। यहाँ बैक में हमें टॉयलेट मिल जाता है। ये टेरेस आ गया हमारा। स्टेयर्स हमारी पीछे से रहेंगी ऊपर जाने के लिए। सो ये थी 120 गज की कोठी 3BHK कंसेप्ट इन सनी इनक्लेव सेक्टर 125 मोहाली एट प्राइम लोकेशन नियर जलवायु टावर। सो आई होप आपको आज की प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। फॉर फर्दर इंक्वायरीज और डिटेल प्लीज दिए गए नंबर पे कॉल करें। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप स्पोर्टिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।